15 फरवरी 2017 जो काम विश्व के शक्तिशाली देश नहीं कर पाए वो काम भारत के इसरो ने कर दिखाया। इसरो ने पीएसएलवी रॉकेट की सहायता से एक साथ 104 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित करने का रिकॉर्ड बनाया है, जो कि कई देशों के लिए सिर्फ सपना ही है। ऐसा करने वाला भारत पहला ही देश बन गया है और इसरो की इस उपलब्धि से हर भारतीय नागरिक का सर भी गर्व से ऊंचा हो गया है। तो आइए आज हम इसरो से जुड़ी बेहद शानदार बातें जानते हैं इस वीडियो में। अगस्त 1969 इसरो की स्थापना डॉक्टर विक्रम साराभाई के द्वारा 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई। डॉक्टर विक्रम साराभाई को फादर्स ऑफ इसरो के नाम से भी जाना जाता है। 19 अप्रैल 1975 को फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च किया गया था इसरो द्वारा, जो कि सोवियत यूनियन की सहायता से लॉन्च किया गया था और यह इतना हल्का था कि इसे एक साइकिल पर आसानी से ले जाया गया था। दूसरा रॉकेट भारी होने के कारण बैलगाड़ी में प्रक्षेपण के लिए ले जाया गया था। चंद्रयान 1 मिशन के तहत इसरो ने एक मानव रहित यान को रिसर्च के लिए चांद की कक्षा में भेजा था। चंद्रयान 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से छोड़ा गया था और चांद तक पहुंचने में इसे करीब 5 दिन लगे और चांद की कक्षा में स्थापित होने के लिए इसे 15 दिन का समय लगा। वैज्ञानिकों का मानना था कि चंद्रयान 1 2 साल तक काम करता रहेगा, परंतु दुर्भाग्य 10 महीने बाद ही अगस्त 2009 को चंद्रयान से संपर्क टूटने के बाद ही इस मिशन का अंत हो गया। पर अच्छी बात यह रही कि इन 10 महीनों में ही चंद्रयान ने अपना 95% तक का काम पूरा कर लिया था। आपको जानकर खुशी होगी कि चंद्रयान 1 की वजह से ही भारत चांद पर पानी खोजने वाला पहला देश बन गया है। चंद्रयान ने चांद पर मौजूद चट्टानों पर पानी होने के पुख्ता सबूत भेजे थे, जिसे दुनिया की बाकी अंतरिक्ष एजेंसियों ने भी माना है। पिछले 40 सालों में इसरो का खर्च नासा के एक साल के बजट के आधे से भी कम रहा है। इसरो के पहले मिशन चंद्रयान प्रथम पर करीब 390 करोड़ रुपए ही खर्च हुए थे, जबकि नासा इसी तरह के मिशन पर इस खर्च के मुकाबले 8 से 9 गुना तक ज्यादा खर्चा करता है। इसरो का अब तक का सबसे सस्ता मिशन मंगल मिशन था, जिस पर खर्चा बहुत ही कम यानी केवल 430 करोड़ रुपए आया था, यानी कि 12 प्रति किलोमीटर के हिसाब से इस अभियान का खर्चा बैठा, जो कि किसी ऑटो रिक्शा के साधारण किराए से भी कम है। मंगलयान मिशन के तहत इसरो ने 5 नवंबर 2013 को मंगल ग्रह की ओर एक उपग्रह भेजा था, जो 298 दिन की यात्रा के बाद 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित हो गया। मंगलयान के मंगल पर पहुंचने के साथ ही भारत पहले ही प्रयास में मंगल में पहुंचने वाला पहला देश बन गया। इससे पहले किसी भी देश का पहला मंगल अभियान कामयाब नहीं हुआ था। भारत मंगल पर पहुंचने वाला एशिया का पहला देश भी है, क्योंकि इससे पहले चीन और जापान अपने मंगल अभियान में असफल रहे थे। काफी समय पहले इसरो के वैज्ञानिकों ने मंगलयान मिशन के लिए अमेरिका से सहायता मांगी थी। अमेरिका ने सहायता देने से साफ मना कर दिया था, परंतु अमेरिका के साफ मना करने के बाद भी इसरो के वैज्ञानिकों ने हिम्मत न हारी और वह दुगने जोश और मेहनत के साथ मंगल मिशन को पूरा करने में लग गए और अंत में बहुत ही कम खर्चे के साथ इस ऐतिहासिक उपलब्धि को हासिल कर लिया। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के किसी भी अन्य वैज्ञानिक संगठन के मुकाबले इसरो में कहीं ज्यादा कुंवारे हैं, यानी बैचलर्स हैं। इसरो में कई वैज्ञानिक ऐसे हैं
जिन्होंने अभी तक शादी नहीं की है और वह पूरी तरह से अपने संगठन को ही समर्पित है। GSAT-7 डेडिकेटेड डिफेंस सैटेलाइट, जिसे एन आई इन द स्काई भी कहा जाता है। पब्लिकली इसे बताया नहीं गया, पर TES यानी टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट, यह एक ऐसा सैटेलाइट है जिसे ऑर्बिट टेक्नोलॉजी को वैलिडेट तथा डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए बनाया गया। इंडिया अमेरिका के बाद दूसरा ऐसा देश बन गया है जो कि 1 मीटर के रिजोल्यूशन के साथ फोटो खींच सकता है। 9/11 के समय TES ने अमेरिकी सेना को तालिबान के खिलाफ लड़ने में काफी मदद की थी। TES को 2001 के कारगिल युद्ध के पश्चात तुरंत ही लॉन्च किया गया। दोस्तों, लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को दबाइए और इसके बाजू में आने वाले इस घंटे को बजाइए,